हाय, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अब फुल फ्लैश क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर हम जो पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन करा था उसी का ले लेते हैं और उसी को फुल फ्लैश कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारा चल रहा है टॉपिक, और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा था मॉड्यूल का, याद है आपको? प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये मॉड्यूल का क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अभी आपको दे रखी है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पर ये लीस्ट है ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कहा था कि लीस्ट सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे, इसके लिए आपको सारे चारों पांचों स्टेप कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे के अब इससे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं कि इससे भी कम हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यस दोस्तों, इससे भी कम हो सकती है। तो हम जो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम जो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये याद रखना 1015 इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये लो जी, तो मॉड्यूल क्वेश्चन है, फुल फ्लैश क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल देते हैं। आज हम सारे स्टेप सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज की क्लास ना इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, और जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसको आप बाद में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर तो पूरा लिखवाया हिंदी में, बट फास्ट ट्रैक बैच में हिंदी में नहीं लिखवा सकता, उसमें मुझे बस एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्लो करके वीडियो को आराम से रोक रोक कर लिख सकते हैं अगर बनाने हैं। नहीं तो एक स्टूडेंट कह रहा था सर कि हमारा ना फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी आप थोड़ा नोटिंग ज्यादा करवाइए लिखवाइए। नोटिंग इसलिए ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच का मतलब है रिविजन कराना, राइट? बेसिकली ये मतलब हुआ आपका। तो रिविजन में मैं नोट नहीं करवा सकता, बस आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर कोई हमारा पेड स्टूडेंट है, मेरी क्लास लेकर क्लास कर चुका है, तो उसको पता है मैंने सारा कुछ लिखवाया है। अगर उन्होंने नोट बनाया है तो वो मुझे दे दे नोट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने मेरे से क्लास ली हुई है OMSM की, उन्होंने सारे नोट्स बना रखे हैं, हिंदी विंदी सब बना रखी है। तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन जो जो चैप्टर में करा रहा हूँ उसके नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे कर दो शेयर, क्योंकि आपको पता है आपका व्हाट्सएप नंबर मेरा आपका पास है ही, मुझे कर दो, मैं इन बच्चों को दे दूंगा टेलीग्राम, ये इनको हेल्प हो जाएगी, जो मैंने लिखा ना इनको लिखना नहीं पड़ेगा। आ जाइए सर, तो हम कर रहे हैं मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है और इसी को फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टेप्स क्या थे हमारे, सबसे पहले स्टेप्स में आ जाते हैं, और अभी हम कर रहे हैं बैलेंस प्रॉब्लम, फिर हमारा आएगा अनबैलेंस प्रॉब्लम का, ठीक है? तो पहले स्टेप हमारा था बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मतलब है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आ जाएगी पर सबसे कम होगी ये नहीं कह सकते, इसके लिए आपको सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। अगला स्टेप है कि आपको स्टेप नंबर वन में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है, चेक करना है कि जो आपने स्टेप नंबर वन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली क्या वो सबसे कम है या नहीं है। इसके लिए हम करते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अगर पास हो जाता है, सबसे कम आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो फिर अगले स्टेप करने की नीड नहीं है। दोबारा सुनो कि जो मैंने स्टेप वन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी उसका मुझे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना होगा। अगर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट पास हो जाता है तो हमें आगे के स्टेप पूरे नहीं करने, वही हमारी लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी। और अगर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हमें आगे के स्टेप फॉलो करने होंगे, और तब तक फॉलो करने होंगे जब तक ऑप्टिमिलिटी टेस्ट पास ना हो जाए, और उसके बाद पास होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो सबसे कम होगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास यहां पर हमने ये निकाला था, ये वाला क्वेश्चन है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट पेपर के अंदर क्या आएगा, वोगल एक्सप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अब इसके बाद मैं वही कराऊंगा और वही आपका चलेगा। सर पहले मैं वो इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन फिर वोगल का करा दूंगा कोई दूसरे मेथड से, एंड देन उसके बाद अपना हो जाए, ठीक है? चलिए इधर देखिए, वोगल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस पहले स्टेप में ही फर्क था, बाकी के सारे स्टेप जितने भी टेस्ट है वो सेम है, सबके सेम है, कोई फर्क नहीं दूसरे में, ठीक है? तो पहले स्टार्टिंग इससे करते हैं, फिर मेन फोकस हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पे ही रहेगा क्योंकि वही पेपर में आएगा। चलिए तो एक काम करता हूं, ये हटा देते हैं, ये तो बस टेस्ट करने के लिए तो वो करने के लिए था। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन, क्या हो गया सर, ये स्टेप नंबर वन हो गया।
ठीक है जी। अब क्या करना है सर आपको, सुनना ध्यान से, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखनी है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, ये हमारा स्टेप नंबर वन था, एक एक करके लिखूंगा ठीक है। स्टेप नंबर वन था, स्टेप नंबर वन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई दिया था। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रो कितनी है आपको, ठीक है। आज के बाद नंबर ऑफ रो को एम डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को एन से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। एम जो है वो रो का है, कितनी रो है इसके अंदर सर, एक दो तीन, सर हमारे पास तीन रो है और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। अब क्या होता है, एक टेस्ट होता है, छोटा टेस्ट है, वो क्या कहता है, जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन सेल है, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल जो है वो बराबर होने चाहिए एम प्लस एन माइनस वन के। तो चेक करो क्या ये हमारा बराबर है या नहीं है, ये एक छोटा टेस्ट है, बेसिक टेस्ट। क्या टेस्ट है ये, जो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है, एलोकेटेड सेल बोले तो एक दो तीन चार पांच छह, ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो हमारे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है छह, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एम प्लस एन माइनस वन के। एम है मेरे पास तीन, एन है मेरे पास चार, माइनस वन करूंगा चार पांच छह, छह बराबर छह आ जाएगा। अब अगर ये बराबर हो गया तो क्या है, बराबर नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझिए सर। देखिए अगर ये बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एम प्लस एन माइनस वन के बराबर आ जाता है, इफ इक्वल अगर बराबर आ जाता है, इफ नॉट इक्वल और अगर बराबर नहीं आता है, तो बराबर आ जाता है तो उसको कहते हैं द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेसी, द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेसी, डीजनरेसी कह लो या डीजनरेटेड कह लो। और अगर इक्वल नहीं आता, द सोल्यूशन इज डीजनरेटेड, या डी जनरेसी। देखिए अगर मेरा नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एम प्लस एन माइनस वन के बराबर आ गया, बराबर नहीं आता है, उसका मतलब आपने जो सोल्यूशन करा ना, इसको दोबारा डी जनरेट करो और बराबर लाने के लिए इसको इंप्रूव करो, पहली वाली मैट्रिक्स को फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो हमारा स्टेप नंबर वन है उसको इंप्रूव करना होगा, दोबारा डी जनरेट करना होगा और इनको बराबर लाना होगा। दोबारा सुनो, अगर हमारा नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एम प्लस एन माइनस वन के बराबर नहीं है, तो हमें इस सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन हमें दे रखा है, ये हमारा डीजनरेसी होगा, इसको डीजनरेट करना होगा, दोबारा इसको ठीक करना होगा जिससे ये बराबर आ जाए। और अगर हमारा पहले से बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे इसको डीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको हम बोलेंगे नॉन डीजनरेसी। क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेसी। तो मतलब समझ में आया, अगर हमारा नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एम प्लस एन माइनस वन के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं वो नॉन डीजनरेसी है, जो सोल्यूशन दे रखा है इसका मतलब ये सोल्यूशन के बाद स्टेप नंबर टू आगे बढ़ो, नॉन डीजनरेसी होगा तो मतलब ये स्टेप नंबर वन ठीक है, स्टेप नंबर टू में आगे बढ़ सकते हो। और अगर डीजनरेसी हुआ तो ऐसे केस के अंदर ये स्टेप नंबर वन को इंप्रूव करना होगा, स्टेप नंबर टू नहीं कर सकते अभी, अभी इसको ठीक करो और इसको नॉन डीजनरेसी में कन्वर्ट करो, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, अभी नॉन डीजनरेसी है, फिर एक डीजनरेसी का क्वेश्चन करेंगे, फिर अनबैलेंस का क्वेश्चन करेंगे, अभी बैलेंस है, इस तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे एक ही क्वेश्चन। तो अभी हमारा कौन सा पार्ट आ गया, नॉन डीजनरेसी। दोबारा सुनो, अगर हमारा नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल एम प्लस एन माइनस वन के बराबर आ जाता है तो वो नॉन डीजनरेसी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को नॉन डीजनरेसी कहेंगे। इसका मतलब जो आपने स्टेप नंबर वन में काम किया था वो सही है, वो सही है, अब स्टेप नंबर टू कर सकते हो, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए जा सकते हैं। पर अगर हमारा सोल्यूशन, अगर हमारा ये बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल आता है, तो उसको हम डीजनरेसी सोल्यूशन कहेंगे। आपको स्टेप नंबर वन का जो सोल्यूशन आपने करा, ये वाला पोर्शन जो आपने करा, इसको दोबारा ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए क्या करते हैं, बात की बात है अभी समझो, ठीक करना होगा और ठीक करने के बाद उसको नॉन डीजनरेसी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब बराबर लाना होगा, और जैसे ही बराबर आ जाएगा फिर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए जाएंगे। क्लियर, बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी के लिए नॉन डीजनरेसी है तो ये ठीक है, हम स्टेप नंबर टू पे बढ़ सकते हैं। करेक्ट है सर, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ो, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, ये तो मेरी, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, चेक करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन इज, जो स्टेप नंबर वन में सोल्यूशन आया हमने ये टेस्ट करके, ये छोटा बेसिक टेस्ट है, ये टेस्ट करने के बाद हम कहेंगे द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड
therefore we can go for optimality test in step 2. तो हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको पेपर के अंदर कि भाई जो सोल्यूशन है वो नॉन डी जनरेसी है, इसलिए हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं। और अगर सोल्यूशन डी जनरेसी आएगी देन वी कैन इंप्रूव स्टेप नंबर 1, देन फिर डी जनरेसी, नॉन डी जनरेसी, फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, चलो अभी तो बस एक याला पॉइंट कर रहा हूं, फिर याला भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारा कराऊंगा, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपका क्लियर हो जाए चीजें। इसे रिवीजन, यही रिवीजन का पार्ट है दोस्तों, इसी को रिवीजन कहते हैं। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कॉपी घुमाई और देखा हो गया रिवीजन। हर एक कॉन्सेप्ट का एटलीस्ट एक क्वेश्चन करके जाओ, इसको हम रिवीजन कहते हैं। और वो क्वेश्चन करो जो मुश्किल है, जिससे आपको बेसिक छोटे वाले क्वेश्चन आसान लगे। अब स्टेप नंबर 2 जाते हैं, टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, स्टेप 2। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट आज आपको कुछ नहीं लिखना, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब दोबारा क्लास देखना स्पीड से, और तब लिखना आप रोक रोक कर। फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। हाँ, ये वही मोदी, देखिए मोदी मेथड कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता है, जब कोई पर्सन पीएचडी कर लेता है ना, तो अपनी खुद की रिसर्च करता है, तो जब उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो उस किसी चीज उस रिसर्च को नाम देना होता है। तो ऐसी किसी पर्सन ने रिसर्च करी होगी, उसने नाम दे दिया मोदी मेथड। तो ये नरेंद्र सिंह मोदी नहीं है, हो सकता है वो भी हो। हाँ क्या होता, ठीक है आ जाओ यहाँ में आ जाते हैं। हाँ तो हमें क्या करना होगा, मोदी मेथड अप्लाई करना होगा ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए। फॉर ऑप्टिमिलिटी वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। अभी क्या होता है मोदी मेथड, Find out a set of number of UI and VJ for which जो हमें करना है UI plus VJ equal to CIJ, UI plus VI CJ ये निकालना है। इधर मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, वैसे ये लिखना नहीं है, ग्रीन वाला पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो UI होगा उसको हम रो कहेंगे और जो VJ होगा उसको हम कॉलम कहेंगे, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। UI का मतलब रो हो गया, VJ का मतलब कॉलम हो गया। तो हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए UI और VJ निकालना होगा, और UI और VJ इजिकल टू प्लस करके CIJ निकालना होगा, CIJ निकालना। अब ये सब निकाल क्यों रहे, सिर्फ ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए। और ये प्रोसेस है जो कि मोदी मैटर ने हमें दिया सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि जो हमने स्टेप नंबर 1 में करा वो सबसे कम लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या नहीं है। अगर उससे अच्छी आ सकती है तो फिर और करेंगे। ठीक है जी, करना कैसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, इसके आगे लिख देंगे only for occupied cell। चलो तो एक काम करते हैं, बनाइए यहां आपको डिमांड दे रही है फैक्ट्री, ये हो गया आपके पास डिमांड। ऐसी कर लेते हैं, एक दो तीन, ठीक है सर। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया थी डिमांड और यहाँ दी थी फैक्ट्री, ये हो गया D1। D1, D2,
D3 और D4, ये हो गया फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। दोस्तों निकालना क्या है, एलोकेशन कर दो, जहां जहां आपको एलोकेशन दिया हुआ वो कर दो। 19, 30, 50, 10 19, 30, 50, 10 70, 30, 40, 60 70, 30, 40, 60 40, 8, 70, 20 बार बार कॉपी नहीं करूंगा, अभी कॉपी कर लूंगा तो मेरा जल्दी हो जाएगा। एलोकेशन डाल दो जहां एलोकेट करा हुआ है, 5, 2, 6, 3 फिर 4, 14 अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट निकालना है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे U1, U2, U3। देयर इज U, U मतलब रो, I मतलब U1 का मतलब है रो 1, U2 का मतलब है रो 2, U3 का मतलब है रो 3। तो तीन रो है हमारी, U1, U2, U3, तीन रो है। कॉलम कितने हैं, 4। तो कॉलम में क्या है, VJ, मतलब V1, V2, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, और चौथा कॉलम। तो 4 कॉलम है हमारे पास, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है और 3 रो है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, करना कैसे है वो ध्यान दीजिएगा। सर मैंने कहा था ना लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। हमें क्या करना है, एक किसी भी एक वैल्यू को जीरो लेट करनी है, हमें क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को जीरो लेट करनी है। अब देखिए स्टडी में कहता है कि जब भी आप कोई वैल्यू जीरो लेट करो तो या तो वो रो 1 को लेट कर लो पूरा जीरो। तो स्टडी मैट में ज्यादातर क्वेश्चन रो 1 को जीरो लेट करके कराए, पर अगर आप रो 2 को करोगे, रो 3 को करोगे जीरो, इनमें से किसी को भी जीरो लेट करोगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। पर मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि आप स्टडी मैट के लिए करो, देखिए जब सजेस्टेड आंसर आते हैं तो स्टडी मैट का सोल्यूशन ही जाता है वहां पर। अब स्टडी मैट के सोल्यूशन में जीरो यहां माना हुआ है और आपके सोल्यूशन में जीरो मान लो यहां माना हुआ, आपने ये मान दिया जीरो, तो आंसर तो एंड आंसर तो सेम आएगा, पर प्रोसेस दोनों के डिफरेंट आंसर जाएंगे एंड आंसर तक। मतलब यहां जीरो मानोगे तो यहां वैल्यूज अलग आएगी, आपकी वैल्यूज अलग आएगी अगर आप कोई और जीरो मानोगे, तो प्रोसेस ऑफ आंसर तो अलग जाएगा सबको, पर एंड आंसर मैच कर जाएगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है, प्रोसेस भी देखता है, वो देखता है मैच नहीं हुआ और ज्यादा ध्यान नहीं लगाता, वो देखता है मैच हुआ या नहीं हुआ, एंड आंसर मैच हो रहा है ठीक है, एंड आंसर तो कुछ भी ले सकता है बच्चा, वो एक नंबर देगा बाकी सब काट देगा। जबकि उसको पता है, जबकि हमें पता है कि हम ठीक करके आए हैं, कॉन्सेप्ट चली क्या है, किसी को भी जीरो मान सकते हैं। इसलिए स्टडी मैट ने जो फोकस करा है इसको जीरो मानते हुए हम भी इसी को मानेंगे, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगर आप कोई और जीरो मान के चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई और भी जीरो मान सकते हैं और उसके बाद भी आप पूरा आंसर सॉल्व करेंगे तो एंड आंसर सेम आएगा, बट ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी इधर। तो मैं स्टडी मैट के अनुसार चल रहा हूं, तो मैंने इसको जीरो मान लिया, लेट लेट यू आई बी द जीरो, लेट यू आई बी द जीरो टू फाइंड द अदर वैल्यूज, जीरो टू फाइंड द अदर वैल्यू। अब मैंने एक को जीरो क्यों माना उसका लॉजिक मैं आपको दूंगा, एक को जीरो क्यों माना उसका लॉजिक भी दूंगा, पर एक को जीरो इसलिए माना है क्योंकि मैं दूसरी वैल्यू निकाल पाऊं, इसका लॉजिक ये है बेसिकली, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकलेगी। यहां तक क्लियर हो गया, तो मैंने इसको जीरो मान लिया, इसको क्यों माना, मैं इसको भी मान सकता हूं, इसको भी, किसी को भी जीरो मान सकता हूं, ठीक है। बट कहानी वही आ जाती है कि जब आप किसी को जीरो मानोगे तो आपका प्रोसेस ऑफ आंसर से अलग जाएगा, और स्टडी मैट में थोड़ा अलग दे रखा है। अब कहानी क्या चलेगी, सर आपने इसको जीरो माना, अब ये था सी आई जे, इसको देखना यू आई प्लस वी जे, सी आई जे का मतलब है, C का मतलब तो कुछ नहीं है, आई का मतलब है रो 1, J का मतलब है कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1, इधर आएगी रो 1 इधर आएगी कॉलम 1, समझ में आ रहा है। U का मतलब है रो, V का मतलब है कॉलम, तो इसका रो 1 लेना है और इसका कॉलम 1 लेना है। हाइलाइटर कहां मिलेगा, ये क्या हाइलाइटर, हाँ ये सर, ये रहा रो 1 और ये है कॉलम 1, कहां पर कर रहा है, यहां भी कर रहा है, तो यहां से यारी वैल्यू निकलेगी,
तो रो वन कॉलम वन से क्या निकलेगी, याली वैल्यू निकलेगी। ठीक है सर, तो रो वन कॉलम वन में कहां पर वो कर रहा था, देखो ये रही रो वन, ये है कॉलम वन। ठीक है जी, इससे मेरे जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों क्लियर होगी बात। चलिए तो सी वन वन आपको दे रखा है, सी वन वन क्या मतलब हुआ, सी वन वन का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, आगे रो है पीछे कॉलम है। तो क्या है भाई, पहली रो में पहली रो पहली कॉलम का आंसर है 19 दे रखा है, 19 दे रखा है। और सर यू क्या है आपके पास, जीरो, तो यहाँ से वी वन निकलेगा, वी वन क्या आ जाएगा, वी वन आ जाएगा सर 19 में से जीरो जाएंगे, क्या बचेगा सर 19 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 19 आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर जीरो लेट नहीं करता, अब सुनना लॉजिक क्या था जीरो का, अगर मैं जीरो लेट नहीं करता यहाँ पर, तो क्या आप मुझे बता देते वी की वैल्यू क्या है। जब आपकी यू की भी नहीं पता वी की भी नहीं पता, तो दोनों वैल्यू नहीं पता, तो 19 से दोनों वैल्यू कैसे निकाल लूंगा। मतलब अगर आपको एक वैल्यू निकालनी है तो दो वैल्यू का पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने एक को जीरो माना, क्योंकि दूसरी वैल्यू निकलेगी तभी। कि अगर आप दोनों वैल्यू में से कोई भी, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि सी वन वन 19 है, इनमें से एक वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, 19 है तो नहीं निकाल पाएंगे सर, क्योंकि एक वैल्यू का होना जरूरी है, इसलिए मैंने जीरो लेट करा है, राइट। चलो ये हो गया, अब अगला आ जाओ, जैसे रो वन कॉलम वन हो गया, ये पुट हो गया। अभी देखो ये है कॉलम टू, ये है रो वन, सी वन कॉलम टू, सी वन कॉलम टू का मतलब है ये आपके पास रो वन आ गई, ये देखो ये रो वन आ गई। ठीक है, ये आपको दे रखा है यू जीरो, रो वन का जीरो दे रखा है, और ये सी टू यहां पर दे रखा, ऐसे देखो कॉलम रो वन कॉलम टू, सी वन टू कहां पर है, इधर देखो, सी वन टू का मतलब है रो वन कॉलम टू, इधर मेरी रो है इधर मेरा कॉलम है, तो ये मेरा 30 दे रखा है सी वन टू। ठीक है सर, ये जीरो है और वी टू आ जाएगा, तो वी टू मेरा क्या आ जाएगा 30। इस तरीके से निकालना है। अब इसका एक 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 फास्ट लॉजिक दूं, समझ में आ गया ना, एक दूसरा चीज और कर लेते हैं, एक दूसरा और कर लेते हैं। अगर आपको यू टू निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, यू टू निकालना है, तो आप यू टू कैसे निकालेंगे, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, और ये आपके पास है यू टू इधर एंड ये, तो वी वन वी टू दे रखा है। ठीक है सर, इधर देखिए, अब देखो जहां पर एलोकेशन होता है वहीं इसकी मदद से निकालते हैं, यानी कि यहां से निकालना है। देखो एलोकेट यहां हुआ था ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, 19 माइनस जीरो तो 19, 19 में से जीरो जाएगा, देखो 19 में से जीरो जाएगा ये आएगा, 30 में से जीरो जाएगा ये आएगा। अब एलोकेशन क्या है, 30 में से यहां तो कुछ नहीं है, तो 30 में से 30 गया यहां जीरो आया, फिर अब 40 में से जीरो जाएगा यहां 40 हो जाएगा। अब कैसे करना है, इधर वाला आ जाओ, 70 में से 40 जाएगा क्या बचेगा यहां पर 30, और 30 में 14 आएगा यहाँ पर क्या बचेगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट तरीके से, मैं दोबारा समझाऊंगा, टाइम रुको, टेंशन मत लो। 30 माइनस 14 आपके पास क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए करना क्या, सी वन मैंने दो आपको ट्राई करके दिखाई क्या होता है, पहले सी वन कॉलम वन, ये को यहाँ एलोकेशन हुआ ना, जहां एलोकेशन है वहां की हेल्प से करना है, पहले यहाँ एलोकेट हुआ, ये कॉलम वन है ये रो वन है, राइट। अब कॉलम वन रो वन में है सी वन वन, सी वन वन का कॉलम वन रो वन, तो यहाँ पर आया 19, तो मैंने यहाँ पर 19 डाल दिया। अब U1 मतलब रो वन का वैल्यू है मेरी जीरो, तो V1 आ गया 19, तो बेसिकली क्या हुआ, इस 19 में से जीरो घटाए तभी तो आया ये। अब इधर आ जाओ सर, ये था मेरा 30, ठीक है जी, ये था मेरा 30, U1 है मेरा जीरो, तो 30 में से जीरो जाएंगे क्या बचेगा V2, तो V2 दिया है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 19 में से जो मुझे गिवन है वो माइनस कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है, 30 में से जो गिवन है वो माइनस कर रहा हूं ये आ जा रहा है। अब मैं इधर आ गया, इधर आ गया, अब मुझे ये निकालना, ये कैसे निकालूंगा, ये देखो 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, अब इसको कल के दिखाता हूँ, ये कौन सी रो है, कॉलम रो, रो वन और कॉलम टू, तो यहाँ है सी टू टू, इसमें रो टू है और कॉलम टू है, यहां से ना रो टू और कॉलम टू है, सी टू टू कितना दे रखा है 30 डाल दिया। ठीक है जी, अब यू टू क्या है, यू टू का मतलब मुझे निकालना है, यू टू निकाल लिए, और वी टू क्या है सर, वी टू मेरा 30 मेरा आया था ऊपर से, इसको माइनस कर देंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए आप माइनस तो कर रहे हो, ये निकालना होगा तो इसको इससे माइनस कर लो, अगर आपको ये निकालना होगा तो उसको इससे माइनस करो, तो बेसिकली इन वैल्यू में से या तो ये माइनस हो रहा है, इस वैल्यू में से या तो ये माइनस हो रहा है, उसको निकालने के लिए ये समझा रहा था मैं आपको, बस अब डायरेक्टली कर दो आप सर, 30 में से 30 जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है ये आ गया, अब ये आ गया, तो इन दोनों की हेल्प से यहां एलोकेशन है ना, इन दोनों की हेल्प से ये निकल जाएगा 40 माइनस 0 40, अब देखो इन दोनों की हेल्प से ये निकल जाएगा, 70 में से 40 जाएगा 30 बचेगा, 30 में से 20 जाएगा तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, ऊपर वाला माइनस कर दिया, नीचे वाला होगा, 70 में से 40 गया तो क्या बचेगा 30। अब दोबारा आ जाओ, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
सबसे पहले मैंने यहाँ जीरो माना, ठीक है, सबसे पहले मैंने जीरो यहाँ माना। अब देखो एलोकेशन कहाँ है ना, 19 में से जीरो जाएगा तो यहाँ पोर्शन आएगा 19, फिर यहाँ पोर्शन देख लो, और तो यहाँ पर एलोकेशन है नहीं, यहाँ एलोकेशन 30 में से जीरो जाएगा क्या बचेगा 30 बचेगा, सिंपल तरीका। अब यहाँ ये निकालना, ये कैसे निकालूंगा, इसमें से ये माइनस कर दो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये आ जाएगा, तो 30 में से 30 गए जीरो। अब ये कैसे निकालूंगा, अब ये दोनों दे रखे हैं ना, तो मतलब कोई ना कोई दो वैल्यू गिवन होगी, 40 में से जीरो माइनस करें 40 आ गया। अब ये कैसे निकालूंगा, सर इन दोनों की हेल्प से 70 में से 40 जाएगा क्या बचेगा 30, और 30 में से 20 जाएगा क्या बचेगा 10। इस तरीके से कैलकुलेट होगा CIVJ। क्या आपको समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ वाला पॉइंट, ठीक ठीक है जी। अब ये देखो आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया मुझे नहीं पता, हमने जो भी यहाँ पर अभी वैल्यू हमने जो भी ये निकाला UIV ये सब निकाला, ये ऑक्यूपाइड सेल से निकाला है, ध्यान आया, इसको हटा दूं। अब हमने जो भी वैल्यू निकाली कैसे निकाली है, ऑक्यूपाइड सेल से निकाला है, और किसके हेल्प लेके निकाली है, CIJ UI+VJ, इसके हेल्प से हमने ऑक्यूपाइड सेल से हमने U1 और V2 की वैल्यू निकाली। अब आ जाते हैं फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड, अब अनऑक्यूपाइड से क्या निकालेंगे, और अनऑक्यूपाइड सेल, अब अनऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से हमें निकालना है टेस्ट। ये क्या हो रहा है बेसिकली, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, क्या कर रहे हैं हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, DIJ CIJ UI+VJ, ये निकालना होगा आपको। अब फिर ये निकालेंगे, अब ये क्या है सर, ये है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, ये क्या है दोस्तों, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए है। सर निकालेंगे कैसे अनऑक्यूपाइड सेल में, पहले मैं टिक लगा रहा हूँ, इधर देखो ये मेरा अनऑक्यूपाइड सेल है, ये मेरा अनऑक्यूपाइड सेल है, दो येरा और येरा, ये जो अनऑक्यूपाइड सेल है, नहीं रहा, ये मेरा जो अनऑक्यूपाइड सेल है, ये दिख रहे हैं आप, ये जो मेरे अनऑक्यूपाइड सेल है, इन सेल को गलत क्या कर रहा हूं, सेम उससे कर दिया कलर से, अनऑक्यूपाइड सेल आपको दिख रहे हैं जहां पर मैंने ऑक्यूपाइड नहीं किया हुआ। अब इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है बेसिकली। अब मुझे बताओ सर ये कौन सा रो है, ये पहली रो है, और ये कौन सा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो पहली रो तीसरा कॉलम को बोलते हैं Δ13। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब है कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम। सर पहली रो तीसरा कॉलम में, ये रहा पहली रो और यह तीसरा कॉलम क्या है 50, ये होता है CIJ। सर पहली रो 0 और तीसरा कॉलम 40, समझ में आया, दोबारा समझो, दोबारा देखो अगला वाला, ये क्या है पहली रो चौथा कॉलम, ये अनऑक्यूपाइड सेल है ना, पहली रो चौथा कॉलम, तो पहली रो चौथा कॉलम, ये चौथा कॉलम है और रो पहली है, इसको बोलते हैं डेल्टा पहली रो चौथा कॉलम। इसमें CIJ क्या है, ये रहा 10, जिसका हम निकाल रहे हैं 10 माइनस पहली रो चौथा कॉलम, क्लियर, समझ में आया। अब ये दो हो गए, अब इसकी बारी में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में CIJ 70, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 19, इस तरीके से। अगला सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो 60, सॉरी सेकेंड रो CIJ तो 60 होगा, सेकेंड रो है 0 और चौथे कॉलम में आपको दे रखा है 10 डेल्टा, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया, पर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम 40 है, यहां डाल दिया 40। सर थर्ड रो में देखो क्या है, थर्ड रो 30 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 19 डेल्टा। अगला सर थर्ड रो सेकंड कॉलम 8, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में 8 दे रखा है, थर्ड रो का मेरा 30 है और सेकंड कॉलम मेरे पे कितना दे रखा है 30। जब आप ये निकाल लोगे, इसको सॉल्व करेंगे, जब आप ये निकाल लोगे Δij निकाल लिया, समझ में आ गया ना दोनों, UIJ कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हो गया, ये कैसे निकालते हैं, ये क्लियर होगा। सर याद कैसे करेंगे इतना सारा, जब आप 5 क्वेश्चन करोगे ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये याद नहीं, फर्स्ट स्टेप तो
ये 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चा फट दनी से करता है 5 क्वेश्चन करने के बाद, उसको सब पता होता है कैसे याद करना है। कैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है अलग से, इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, देख देख के कर लो, भले पूरा 5वें क्वेश्चन आप बिना देखे कर लोगे, इतनी गारंटी है। सर ये टाइम से पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पता है, तो डरने की जरूरत नहीं, कैसे याद होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये क्या होता है, बस ये और ये पॉइंट याद रहो, अपने आप समझ में आ जाए कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, दूसरे में दिक्कत आएगी, तीसरे में दिक्कत आएगी, चौथा पांचवा क्वेश्चन फटाक से कर दोगे आप। चलिए 50 में से देखो, इसका देखो 50, ये 40 और 0 जोड़ेंगे तो 40 और 0 40, 50 में 40 गया 10 बचेगा, 10 में 10 गया 0, 19 और 0 19, 70 में से 19 गया कितना बचेगा 49, 51, 60 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 40। सर इन दोनों को जोड़ो, 30 प्लस 19, 40 में से 49 जाएगा माइनस का 9, और 30 प्लस 60, 60 में से 8 जाएगा माइनस का 52। सर अब क्या करना है, हो गया हमारा ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट का सोल्यूशन क्या है, अगर डेल्टा आई जे में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपका जो सोल्यूशन है ऊपर, तो स्टेप नंबर 1 में आपने जो सोल्यूशन निकाला था फिजिबल सोल्यूशन, वो उससे कम कॉस्ट आ सकती है और इंप्रूव करो उसे। ये मतलब है अगर डेल्टा आई जे में कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक, एक हो रहा है, दो हो रहा है, तीन है, कोई भी एलिमेंट में नेगेटिव आ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो सकती है। अब हमें इंप्रूव करना होगा स्टेप नंबर 1 को, अब हमें इंप्रूव करना होगा स्टेप नंबर 1 को। स्टेप नंबर 1 इंप्रूव करूंगा, फिर ऑप्टिमिलिटी का ये सारा पोर्शन दोबारा करूंगा, फिर चेक करूंगा क्या डेल्टा आईजे में ये इसमें कोई नेगेटिव आया, और अगर एक भी नेगेटिव आ गया फिर से स्टेप नंबर 1 को दोबारा इंप्रूव करूंगा, फिर से ऑप्टिमिलिटी टेस्ट दोबारा करूंगा, डेल्टा आईजे निकालूंगा, फिर चेक करूंगा डेल्टा आईजे में नेगेटिव आया नहीं आया, तीसरी बारी में आ जाए, इसे बात ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना मुश्किल है, पहले इसने इतने को पहले संभालो, अपने अंदर संभालो, पहले इस बातों को संभालो कैसे कैसे करा, एक बार 2 मिनट के लिए देख लो इसको, ठीक है सर। चलिए देख लो, वीडियो पॉज करके देखना है आपको, मैं आगे कर रहा हूँ। तो अगर डेल्टा आई जे की वैल्यू नेगेटिव आती है, द एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नेगेटिव, लिख दूं द एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नेगेटिव, सो वी हैव टू इंप्रूव बेसिक फिशिएबल सोल्यूशन, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में करा था। तो अगर डेल्टा आई जे की वैल्यू कोई भी एक एलिमेंट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब जो हमने ऊपर निकाला था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले स्टेप पे, वो उससे और कम हो सकती है, यही तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट है कि उससे और कम हो सकती नहीं हो सकती, ये कह रहा है इंडिकेशन दे रहा है अगर नेगेटिव आ गई तो और कम हो सकती है, और अगर और कम होगी तो आपको पहले वाले एलिमेंट पहले वाले स्टेप को इंप्रूव करना होगा, इसलिए बोलते हैं इंप्रूव फिशिएबल सोल्यूशन। तो उसके लिए इंप्रूव मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी हमें, इंप्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे वो बात की बात है, बट सोचो अगर यहीं पर आपका कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती तो अगर सारे वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ जाती तो जो आपने स्टेप नंबर 1 में किया था वही आपका सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उससे कम नहीं हो सकती, वही आंसर छोड़ देना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये 2 यहाँ पर केस निकल कर आते हैं, एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई इज नेगेटिव, सो वी हैव टू इंप्रूव बेसिक फिशिएबल सोल्यूशन, तो हमें बेसिक फिशिएबल सोल्यूशन को इंप्रूव करना होगा, ये बना रहा हूं मैं इंप्रूव वाला। अब कैसे इंप्रूव करना है, अरे इंप्रूव करने से पहले एक चीज और करनी है, इस वाले में ना सबसे वो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला वो लेना है, इस वाले में से एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है, डेल्टा आई जे में से कोई ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करो जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर था नेगेटिव का, मुझे ये दिख रही है डेल्टा 3-2, इसको सिलेक्ट करना है,
सर इसका क्या काम होगा, बाद की बात है, बाद में बताऊंगा क्या काम होगा, पर अभी के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना है। डेल्टा आईजे में से होता 32, तो कितना -52, ये हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, -52 इज द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद बनाना है इंप्रूव मैट्रिक्स, इंप्रूव मैट्रिक्स कह लो या इंप्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कह लो, स्टेप नंबर 1 इंप्रूव मैट्रिक्स, जो स्टेप नंबर 1 को उसको इंप्रूव कर रहे हैं। अब करना कैसे है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, कहीं पर भी ऐसी जगह एलोकेशन ढूंढो, कहीं पर भी ऐसी जगह एलोकेशन, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कहां पर आई थी पहले वो चेक करो। सर जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू आई थी वो आई थी 3 और 2 में, 3-2 का मतलब होता है row 3 और column 2, यहां पर ये है 3-2 का मतलब, यहां पर आप खड़े हो जाओ, जहां हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती वहां खड़े हो जाओ, आप उसको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब मेरा कौन सी रो है, तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ये नहीं मेरी तीसरी रो, ये रहा मेरा दूसरा कॉलम, यहां पर खड़े हो जाओ। अब यहां से आपको क्या करना है, इस वाली पोजीशन से आपको क्या करना है, इस वाली पोजीशन से आपको चलना है, 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 फिर जहां डब्बा है वहां मुड़ना है। यहां नहीं मुड़ सकते क्योंकि यहां पर एलोकेशन नहीं है, ये हमारा रॉन्ग मैप पाथ हो गया। सर क्यों चलना है, सर ये टाइम पास, यहां से चलो, यहां चलो, यहां नहीं आ सकते क्योंकि यहां लोकेशन नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं। सर बताओ सर, देखिए प्रोसेस कहता है कि जहां पर आपकी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू हुई थी ना, जैसे डेल्टा 3-2 में हुई थी, तो वहां पर खड़े हो जाओ और वहां से आपको घूम कर वापसी वहीं आना है, मतलब वहां से एलोकेशन पे जाओ और घूम कर वापसी वहीं पर आओ जहां पर आप खड़े थे। मतलब कहानी ये है कि मुझे यहां से चलना है और मैं जा सकता हूं तो मैक्सिमम जो जंप लूंगा वो एलोकेशन में लूंगा, सांप सीढ़ी खेलनी है और जंप लेनी सीढ़ियों में, और सीढ़ी कहां है मेरी, ये रही। तो यहां से मैं यहां गया, मैं यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, यहां नहीं आ सकता, सीढ़ी नहीं है, और उसके बाद नहीं आ सकता, फंस गया, मुझे घूम कर वापसी यहीं आना है। तो सर ऐसा कौन सा पाथ है जहां घूम कर मैं वापसी यहीं आ सकता हूं, तो मैं यहां से गया, यहां से गया, यहां नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर वही नहीं है एलोकेशन, तो ये भी गलत हो गया, मैं यहां भी नहीं जा सकता। अब यारा ऑप्शन बचा, यहां से गया इधर, यहां से गया इधर, वहां नहीं जा सकता आगे, तो हमेशा लॉन्ग पाथ लेना है, लॉन्ग पाथ मिल ही नहीं रहा मुझे, मैं यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, अब घूम कर वापसी नहीं आऊंगा, लॉन्ग पाथ नहीं मिल रहा। सर एक ही पाथ है, बताओ क्या, यहां से चलो इधर, फिर इधर चलो, फिर इधर चलो, और वापसी घूम के इधर आ जाओ, और ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन में आपको ये ना मिले, ठीक है जी। ये पाथ आपको मिलेगा, मतलब जहां पर, कहां पर, पहले तो सिलेक्ट करो कहां पर खड़े होना है आपको, वहां पर खड़े होना है जहां पर डेल्टा आई जे आपका नेगेटिव था, हाईएस्ट नेगेटिव 3 और 2 में, तो row 3 और column 2 पे खड़े हो जाओ। यहां पर खड़े होने के बाद, यहां पर खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चक्कर लगाने हैं, यहां पर खड़े होने के बाद आपको चक्कर लगाने हैं, और ऐसे पाथ में जाना है जहां पर आप घूमकर वापसी यहीं पर आ जाओ, तो एक पाथ ढूंढो, लॉन्ग पाथ ढूंढना है। सोचो अगर मान लो यहां पर भी एलोकेशन होता तो मैं यूं घूमकर यूं नहीं आता क्योंकि मुझे लॉन्ग पाथ मिल रहा है, मैं यूं जाता यूं घूमकर यूं आ जाता, समझ में आ रहा है। तो हमेशा लॉन्ग पाथ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, लॉन्ग पाथ ढूंढना है। तो अगर मेरा एलोकेशन यहाँ होता तो मैं ये लॉन्ग वाला पार्ट ढूंढता, छोटा वाला नहीं ढूंढना, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग पाथ मिल ही नहीं रहा, तो छोटा मिल जाएगा, और छोटा 100% मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए तो जरा घूम जाते हैं, यहां से गया मैं इधर, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और वापसी इधर आ गया, तो यहां से पहले मैं इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे एरो देना है इसे, एग्जामिनर को बता पाए ये पाथ हम ऐसे घूम के गए हैं, यहां से हमने चला था और वापसी घूमकर यहीं पर आ गए। अब करना क्या है, करना क्या है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब क्या करना है सर आपको, अब देखिए जहां पर आप खड़े थे, जहां से आपने चला वहां पर लगाना है प्लस एक्स, उसके अपोजिट में लगाना है प्लस एक्स, ठीक है जी। यहां चले थे, यहां चले थे, इन दोनों में प्लस एक्स लगाना है, जहां से आप खड़े थे वहां प्लस एक्स, इसके इन दोनों के अपोजिट में ये हो गया प्लस प्लस, अब इन दोनों के अपोजिट में लगाओ नेगेटिव, यहाँ हो गया माइनस एक्स, यहाँ हो गया माइनस एक्स, ठीक है जी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जहां पर नेगेटिव एक्स था ना, जैसे ये वाला नेगेटिव एक्स था और ये वाला, उस नेगेटिव एक्स में से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम ऑफ, मिनिमम जहां पर दो माइनस एक्स थे ना, माइनस एक्स जो दो एलोकेशन उन दोनों का मिनिमम, जैसे इस वाले माइनस में एलोकेशन था 6, इस वाले माइनस में एलोकेशन था 4, इन दोनों का मिनिमम होगा एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा 4। दोबारा सुनो जहां से आपने चालू करा था वहां पर लगाना है प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स, और फिर माइनस एक्स। अब ऐसे सोच लो, जहां एलोकेशन चालू हुआ था उसके अपोजिट में प्लस, और उसके इधर से प्लस, पहले यहां लगाना है,
फिर इसके अपोजिट प्लस और इन दोनों के नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले में जो एलोकेशन कर रहे थे उसका मिनिमम जो होगा वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, जो नेगेटिव वाले एलोकेशन में, नेगेटिव वाले एक्स में एलोकेट हुए, छह और चार एलोकेट हुए ना नेगेटिव वाले में, हमेशा ये लेना है नेगेटिव वाले में जो एलोकेट हुए उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपकी एस की वैल्यू मानी जाएगी। सर एस की वैल्यू भी निकाल दी, अब बताओ क्या करना है आगे। सर यहाँ पर हमने एस की वैल्यू भी निकाल दी, देखिए अब अगला स्टेप क्या है, जो आपकी एस की वैल्यू निकली है उसमें आपसे क्या करना है, एलोकेशन सेल में चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, जो एस की वैल्यू है वो आपको यहाँ प्लस एक्स बोल रहा है ना, तो अब हमें क्या करेंगे, अब दोबारा एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, इसको हम कहते हैं इंप्रूव मैट्रिक्स। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और मैंने यहां पर एक और बना दिया है, ठीक है जी। चलिए अब जरा उधर आ, इधर आ जाओ, पहले वाले क्वेश्चन में समय लगेगा, मैं बता रहा हूं उसके बाद समय नहीं लगेगा। क्या करना है, यहां पर जो प्लस एक्स है वहां पर तो एस की वैल्यू जोड़ देनी है, प्लस एक्स में एस की वैल्यू जोड़ देनी है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस एक्स है यहां पर मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ूंगा, एक्स की वैल्यू चार है, ये प्लस एक्स है यहां पर जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, अब तीन और चार और जोड़ूंगा, चार पांच छह सात हो जाएगी, ये हो जाएगी सात। क्या बोला मैंने, एस की वैल्यू जो आई आपकी, ये एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू प्लस वाले एक्स में जोड़ दो और माइनस वाले एक्स में माइनस कर दो। सुनो, प्लस वाला एक्स यहाँ था तो इधर कुछ भी नहीं था तो मैंने चार जोड़ दिया, एलोकेट हो गया, और यहाँ पर प्लस एक्स था, यहाँ पर तीन था तो मैंने चार जोड़ा, सात हो गया। यहां वाले में एस की वैल्यू माइनस, देखा ना, एक्स माइनस करो, एक्स माइनस करो, इसका मतलब इस वाले एलोकेशन माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हट चार छह था, अब यहाँ पर दो हो जाएगा, और यहाँ पर चार है, चार से चार जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्या हुआ, क्या मिला आपको नया चीज, आपको नई चीज ये मिली, पहले आपका एलोकेशन चार यहां होता था, अब वो चार खिसक के यहां आ गया, इससे हो गई इंप्रूव मैट्रिक्स। एलोकेशन आपने खिसका दिया, आपने एलोकेशन घुमा दिया, तो इंप्रूव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम एलोकेशन को घुमा देते हैं। अब जैसे ही आपका एलोकेशन घुमा, अब फिर से आप क्या करो, यूआई और वीजे निकालिए। अब आप निकालना बहुत है, यूआई और वीआईजे, इनको कैसे फिल करेंगे, पहले वाले को हमने जीरो लेट करा, करना कैसे देखो, ध्यान से देखो, 19 माइनस जीरो 19, ठीक है, ये में से ये माइनस होगा। फिर अगला एलोकेशन क्या है, 30 माइनस जीरो 30, अगला एलोकेशन का यहां पर है, देखो 30 में से 30 माइनस करूंगा, ये वाले में से ये वाला माइनस करेंगे, अंदर वाले में से ये वाला हमेशा पहले आएगा, 30 माइनस 30 जीरो, ठीक है। अब इधर ठीक है, इधर 40 माइनस जीरो 40, और इधर देखो 8 में से 30 जाएंगे 22 माइनस के, और फिर 20 में से माइनस माइनस 22 करेंगे, कैसे देखो, इधर देखो, ये होता है फॉर्मूला, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे, ये मेरा 20 है, यू आई मेरा है माइनस 20 और ये आ गया बी जे, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, तो वीजे कितना आ जाएगा भाई 42, ये आ जाएगा मेरा 42, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, ये हो गया आपके पास तरीका। तो सर क्या यूआई और वीजे नेगेटिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं नेगेटिव, ठीक है, तो हमने क्या करा, सॉल्व करा, एक बात रखना, 19 ये अंदर वाला पार्ट पहले होगा फिर माइनस होगा बाहर वाला पार्ट, 19 माइनस जीरो 19, 30 माइनस जीरो 30, 30 में से 30 गए जीरो, 8 में से 30 गए माइनस का 22, 40 में से जीरो गए 40, और 20 माइनस करूंगा 20 माइनस माइनस 22 तो प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 22 42। अब निकाल लो सर क्या डेल्टा आई से, डेल्टा आई जे का फॉर्मूला होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये होता है फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे जरा क्या आएगा, देखो डेल्टा आई जे जो अनऑक्यूपाइड है, देखो ये पहली रो ये तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एक तो ये है, ये रहा पहली रो और चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरा ये देखो ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये लिख देता हूँ पहले, दूसरी रो पहला कॉलम, ये रहा दूसरी रो चौथा कॉलम सर, दूसरी रो चौथा कॉलम, आगे सर तीसरी रो पहला कॉलम, सर तीसरी रो पहला कॉलम, और लास्ट तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, देखो ये अनऑक्यूपाइड सेल, तीसरी रो और तीसरा कॉलम बना दो सर।
सर पहली रो तीसरा कॉलम देखो, पहली रो तीसरा कॉलम में 50 है, करा लो 50 माइनस पहली रो तीसरा कॉलम 40, यहां निकाल देना इसका आंसर। पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम में है 10 माइनस पहली रो 0 और चौथा कॉलम आपके पास क्या है 42। फिर से दूसरी रो पहला कॉलम 70, दूसरी रो में है 0 और पहले कॉलम में है 19। आगे दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो है 60, दूसरी रो है 60 और चौथा दूसरी रो है सॉरी दूसरे चौथा कॉलम में 60 है सीआईजी, दूसरी रो में 0 है और चौथा कॉलम में कितना है 42। अब आ जाओ तीसरी रो 40, तीसरी रो में देखो कितना है माइनस 22 और पहला कॉलम 19, तीसरी रो पहला कॉलम। अब ये देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 70, तीसरी रो कितना है माइनस 22, तीसरा कॉलम कितना है 40। सॉल्व कर लीजिए सर, 50 में से 40 जाएगा 40 बचेगा, 10 में से 42 जाएगा माइनस का 32 बचेगा, 70 में से 19 जाएगा तो 70 माइनस 19 कितना हो गया 51, 70 माइनस 19 51 हो गया, 60 में से 42 जाएंगे 18, 40 सुनो पहले इसको करो, 19 में से 22 जाएंगे, 22 माइनस 19 माइनस का 3 और माइनस 3 प्लस माइनस 40 प्लस का 43, 43 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। 40 में से पहले 22 घटा दो 18 आ जाएगा, 70 में से 18 जाएंगे क्या बचेगा 52। सुनो सर अभी भी एक नेगेटिव है, और अगर भी अभी भी एक नेगेटिव है इसका मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है वो भी नॉट ऑप्टिमल है, अभी भी ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, मतलब इसको फिर से चेंज करना होगा। थोड़ा सा आप चेंजेस करेंगे, क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, सब कुछ वही है, इसको हटा देते हैं पोर्शन को भी, ठीक है सर आ जाओ फिर से ले लेते हैं। पहले मैंने क्या करा, मैंने तो कॉपी कर दिया, हालांकि ये देखो सबसे एक ही नेगेटिव है। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, जब पहली बार आप सॉल्व करोगे ना डेल्टा आईजे, उसमें देखना आपके नेगेटिव कितने हैं, दो नेगेटिव है ना, इसका मतलब दो बार इंप्रूव करना पड़ेगा, जहां तक मैंने इतने क्वेश्चन कराए जहां तक का एक्सपीरियंस है, दो बार होता है, बहुत रेयर होगा कि एक बार में आ जाए आंसर, दो नेगेटिव है तो दो बार आपको इंप्रूव करना होगा। तो हमने एक बार इंप्रूव करा, एक नेगेटिव हटा दिया, अब एक ही बचा, एक और बार इंप्रूव करेंगे सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे, अब बिल्कुल ही डेल्टा आईजे में जीरो नेगेटिव आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, क्योंकि देखिए जब मैंने ये क्वेश्चन लिया था तो ये क्वेश्चन में फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं था हमारी बुक में, ये क्वेश्चन का था शॉर्ट क्वेश्चन था, सिर्फ फिजिबल निकाला था ना, तो फुल फ्लैश तो मैंने करवाया, अब क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो, कुछ भी हो सकता है, पर एक बार चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा गलत नहीं होगा। चलो सबसे पहले लिखो कि कहां पर आपका नेगेटिव आया, हाईएस्ट का एक ही तो आया, हाईएस्ट ढूंढना ही नहीं होता, यहां पर हमेशा हाईएस्ट ढूंढना होता है, तो डेल्टा आई 14 में आया है, डेल्टा 14 में है ना, हाँ माइनस 32, जहां पर आया है वहां पर जाके खड़ा हो जाओ, डेल्टा 14 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14, रो 1 चौथा कॉलम, रो 1 चौथा कॉलम, ठीक है। तो ये देखो डेल्टा 14, डेल्टा 14 हमें एक बार मैं रीचेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा 14 में पाथ ही नहीं मिल रहा, देखिए डेल्टा 14 आता है यहां पर, अब यहां से मेरे को कोई पाथ नहीं मिला क्योंकि यहां जा नहीं सकता और यहां जा नहीं सकता, यहां नहीं जा सकता क्योंकि यहां लोकेशन नहीं है और यहां नहीं जा सकते हैं, तो मतलब इस वाले पॉइंट पर मुझे कोई पाथ नहीं मिल रहा जिससे मैं इंप्रूव कर पाऊं, जिससे मैं इंप्रूव कर पाऊं, तो यहां पर लिख दूंगा नो फर्दर इंप्रूवमेंट भाई, इससे इंप्रूव नहीं हो पाएगा, नो फर्दर इंप्रूवमेंट बिकॉज पाथ इज नॉट फाइंड, पाथ इज नॉट एग्जिस्ट, पाथ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा इसको, तो जब फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो मतलब यही छोड़ देंगे और यही एलोकेशन हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी। सर जब आपको पाथ ही नहीं मिल रहा तो इंप्रूव कैसे करोगे, बिना पाथ के इंप्रूव कैसे करोगे, सर क्या ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, हालांकि क्यों नहीं आता, रीजन देखो, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया था तो मैंने आपसे क्या बताया था
ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है जो हम पिछली क्लास में कर रहे हैं, और पिछली जो इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन बनाया है ना, ये सिर्फ स्टेप नंबर वन के लिए बनाया है, तो हमने इस पर फुल फ्लेज लगा दिया। जब कोई क्वेश्चन ऐसा लेंगे इंस्टीट्यूट का जो फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट ने भी करा होगा, तो फिर आपका उसका भी पूरा प्रॉपर आएगा, वहां पर पाथ बनेगा। पर ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऐसे आ जाता है कि पाथ आपको नहीं मिल पा रहा, हमने अभी तक जितना भी प्रोसेस लगाया वो सेम है और प्रोसेस आपको सारा समझ में आ गया, यही रिपीट करना था आपको वापसी। अगर पाथ मिल जाता ऐसे करके, मान लो यहाँ होता तो ये पाथ मिल जाता मुझे, जैसे ये पाथ मिल जाता मैं वही चेंज करता, एक्स और एक्स लेता, नेगेटिव नेगेटिव लेता, चेंज कर लेता, इसको यहाँ घुमा देता, ऐसा हो जाता, फिर से इंप्रूव करता। बट आप पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने पास यही हमारी इंप्रूव मेटेरियल की, इससे कम नहीं आ सकता। तो क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो आप। ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकालेंगे, लास्ट पाथ हमारा यही था ना, देखो 19 को मल्टीप्लाई करो पाथ से, सीधा सीधा कर लो ना, 19 को पाथ से मल्टीप्लाई करो 95, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो 60, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो 60, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ क्यों हो रही, 1 मिनट में चेक कर लेता ये नहीं, ये था कितना आया था हमारा टोटल 1050 आया था ना, पहले स्टेप से हमारा 1050 आया था, वो चेक करा। अब दूसरे जब हमने अभी तक करा इम्प्रूव, उसमें इम्प्रूव में कितना कॉस्ट कम हुई वो चेक कर लेते हैं। कॉस्ट तो कम होगी, पर अगर पाथ नहीं मिलेगा तो हम क्या करना होगा, हमें वहीं पर छोड़ देना और लिख देना है नोट कि भाई देर इज नो पाथ एग्जिस्ट, तो इम्प्रूव फर्दर नहीं हो सकता। अब यहीं पर कर लो, 19 को 5 से, 30 को 2 से, 30 को 2 से 60, और 40 को 7 से 280, 280 देखते कितना इंप्रूव हुआ। फिर ये तो हटा दो, ये तो कुछ नहीं है, 8 को 40 से, 8 को 4 से 32, और फिर 20 को 14 से 280, 280 प्लस 280 प्लस 32 प्लस 60 प्लस 60 और प्लस 95, देखो 807 होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर यही सबसे लीस्ट है, इससे लीस्ट नहीं हो सकती, यहां पर हमें पंचर छोड़ देंगे। देखा इंप्रूव करने से क्या होगी, 1015 आ रही थी वहां पर, अब आ रही 807, ये हो गया। अगर यहाँ पाथ मिल जाता और कम हो जाती, इसका मतलब पाथ नहीं मिल रहा तो बस यही है लास्ट, नो फर्दर इंप्रूवमेंट, इससे इंप्रूव नहीं हो सकता, और यही हमारी सबसे कम लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पाथ हमेशा मिलता है, पर फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यही वाली लाइन लिखना, नो फर्दर इंप्रूवमेंट बिकॉज पाथ इज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे लिए यही जो हमारा लास्ट इंप्रूवमेंट था वही हमारा लास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, उससे कम नहीं। और देखो आपको एग्जिस्ट कर गया है, क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करा, अब अगली क्लास में मैं क्वेश्चन लूंगा जिसमें वो वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, और वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड में भी सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, बस स्टेप नंबर वन चेंज है, इंप्रूवमेंट वीआईजे सब निकाला, सब कुछ सेम है, बस इंप्रूवमेंट में फर्क आएगा। जो हमने इंप्रूवमेंट करा, कौन सा इंप्रूवमेंट है, ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करना आप घर से, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसमें जबकि टोटल ट्रांसपोर्टेशन का साइज 430, यही क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व कराऊंगा, हालांकि फिर से गड़बड़ आ सकती है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो फिर से हो सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और बड़ा क्वेश्चन जो दे रखा है वो अनबैलेंस प्रॉब्लम का दे रखा है, मुझे मिलेगा तो मैं करा दूंगा। अब आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से ही करने हैं, कोई भी आप लीस वगैरह से नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में यही आने वाला है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं अभी इसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा, और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको वोगल का कराऊंगा, सेम स्टेप नंबर 1 2 3 सेम टू सेम है, बस पहले स्टेप में चेंज आएगा, बाकी सारा सेम है, स्टेप नंबर 2 से लेकर 3-4 तक सब सेम है, वही वीआईजे वीजे निकालेंगे, यहाँ पर आर यूआईए निकालेंगे, वही तरीका होगा निकालने का, एक को जीरो मानेंगे का होगा, फिर एलोकेशन एलोकेटेड सेल के लिए, अनएलोकेटेड सेल में डेल्टा आईजे निकालेंगे, फिर देखेंगे डेल्टा आईजे की नेगेटिव तो नहीं आई, नेगेटिव आ गई तो फिर से इंप्रूव करेंगे, पाथ जनरेट करेंगे, इस तरीके से होगा। ट्राई करना घर से, नेक्स्ट क्लास में वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इसी का नॉन डीजनरेसी का ही कराएंगे, अभी तो अनबैलेंस प्रॉब्लम है, फिर डीजनरेसी वाला भी आएगा, तो 2-3 कॉन्सेप्ट है, अभी तो मेरे को वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड कराना नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद नॉन डीजनरेसी कराना है, फिर अनबैलेंस कराना है,
फिर जाकर खत्म होगा ये चैप्टर। तो मतलब अभी मान को लो तीन क्लास और लगेगी इस चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन तीनों क्लास में होगा अलग अलग। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं इस क्लास को, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।